वेलकम बैक टू वायर एंड फिटनेस। मैं यादरा अमीना। तो अभी मैंने कुछ इक्विपमेंट खरीदे हैं मेरी ब्लॉगिंग के लिए, जो अच्छा साउंड आए और अच्छा स्टेबिलिटी रहे वीडियो में। तो मैंने कुछ ट्राइपॉड और एक बोया का माइक खरीदा है, तो मैं उनकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है और किस हिसाब से उसका सेटअप होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी उसको निकाल लिया है, पढ़ लिया है पहले से ही, क्योंकि एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाता है। अनबॉक्सिंग भी कर ही लेते हैं कि ये सारा सामान आया है। तो ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड हेड ऑफिस, पता नहीं हेड ऑफिस लिखा हुआ है, वो है उस कंपनी का है। मतलब इसका रेटिंग वेटिंग अच्छा था तो मैंने खरीद लिया। तो इसमें कुछ जुगाड़ है, ये है, ये आई गैस जो गोप्रो वगैरह होता है उसके लिए है, और ये अपना नॉर्मल ट्राईपॉड है। ये फ्लेक्सिबल है, ऐसे क्वालिटी उन्होंने बोला है। ऐसे ये वाला पोर्शन वाटर प्रूफ है और कैसे भी तुम मुड़ा सकते हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर। और ये वाला पोर्शन भी उन्होंने बोला है कि 360 डिग्री आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हो। और इसमें माउंटेड स्क्रू है, जो फोन वाला पोर्शन है आई गेस ये रहा। तो इसमें आप इसको, ये पोर्शन को आई गेस माउंट कर सकते हो, ये वाला हिस्सा। मेरे पास एक ऑलरेडी ट्राईपॉड था, बट इसको जैसे कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा अगर आपको लगाना है तो उस हिसाब से ये अच्छा है, इसलिए मैं ऑर्डर किया। तो इसमें बहुत सारे स्क्रू भी हैं, तो उस जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आपको लगा लेना है, जैसे ये माउंट हो जाएगा अभी। तो और जैसे अभी ये मूव कर रहा है तो आप ये वाले स्क्रू टाइट करोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, जैसे आपको जैसे भी जिस एंगल में रखना है। तो अभी ये पूरा अभी कहीं जाने वाला नहीं है। और अभी मैं अपना फ़ोन अटैच करके देखता हूँ क्या आता है। तो लेट्स सी। और बहुत थोड़ा देखो, ये पूरा अपना एकदम सेटअप हो गया। माइक वाला जुगाड़ देखते हैं माइक में क्या क्या है, माइक वाले पोर्शन में। तो ये अपना ट्राइपॉड, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मतलब क्वालिटी वगैरह तो मेरे को बहुत सही लग रही है, क्योंकि बिल्डअप क्वालिटी वगैरह कितना सही है और दिखने में भी बहुत अच्छा, और ऐसे हैंडी भी है बहुत, कि यहाँ पे कैसे भी होल्ड करो तो मतलब अच्छी फील आ रही है, ग्रिप भी बहुत सही है। तो लेट्स सी, अभी नए आने वाले वीडियो में अपन यूज़ करेंगे तो फिर और ज़्यादा पता लगेगा कि क्या काम का है या अपना, कि भाई कैसे वर्क करता है। और अभी नेक्स्ट चीज़ अपन, ये तो हो गया अपना ट्राईपॉड, ये है बोया का, कॉम्पेटेबल है सारे फ़ोन के लिए और जो आपके पीसी वगैरह के लिए। ये है BYM MM1 ये प्रोडक्ट है। तो ये कुछ मेरे को 1800 का पड़ा है। तो मैं सारे दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लगभग दोनों चीज़ें मेरे को लगभग 2500 या मतलब 2500 की पड़ी हैं। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैंने अच्छे थे तो ऑर्डर कर लिया, फिर अपना वीडियो का क्वालिटी, लोग कंप्लेन भी कर रहे थे कि भाई आवाज़ इतना मतलब थोड़ा ऐसा साफ नहीं आ रहा, तो चलो माइक मंगवाते हैं। तो ये तो इनका मैनुअल है, और ये जो भी मतलब जो भी डिस्टर्बेंस आता है उसको रिडक्शन करने के लिए जो ये इन्होंने दिया है, ये बहुत सही है, सही लग रहा है। और ये आई गेस जो इसको माउंट करने का है वो है, जो अपन को ऐसे ऐसे आप माउंट कर सकते हो। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ग्रूव है आई गेस। तो जैसे आप कैमरे वगैरह में भी अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं देखता हूँ मेरे ट्राईपॉड में ये फिक्स होता है कि नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम है। और ये इसके साथ में बैग भी दिया है इन्होंने, कि इसमें आप जो भी कभी भी कैरी कर सकते हो ये सामान। और ये दो केबल है, अलग अलग है, पता नहीं किस किस काम के लिए हैं, कौन सी मोबाइल गियर, कौन सी पीसी या कैमरे गियर, तो वो अपन को मैनुअल में देख के आई गेस पता लग जाएगा। तो गाइस ये इसमें मैनुअल में लिखा हुआ है, जो स्ट्रेट केबल है वो अपने फ़ोन वगैरह के लिए है, टैबलेट और वो सब के लिए, स्मार्टफोन। और ये दूसरा है जो मतलब ये वाला वायर, ये अपने जो भी मतलब इसमें लिखा हुआ है कैमरा, कैमकोडर और ऑडियो रिकॉर्डर्स वगैरह, पता नहीं जो अलग ही जो भी मैनुअली अलग डिवाइस आते हैं ना स्मार्टफोन से अलग जो भी है, उन सब के लिए ये वाली केबल है और ये फ़ोन के लिए है। तो गाइस ये अपना सब अपना जुगाड़ हो चुका है। और ये माइक का वॉइस टेस्ट भी अपन कर लेते हैं कि कितना साफ है। अभी सारा जो भी वीडियो शूट हुआ है वो नॉर्मल फोन की वॉइस से हुआ है, तो अपन इफेक्ट देखते हैं कि इसको लगाने के बाद में कितना डिस्टरबेंस कम होता है। लेट्स सी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस सून।